स्वागत दोस्तों आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हमारा चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है। दोस्तों ये सब है जो ये आप सबके भाइयों के सपोर्ट की वजह से ही हो पाया, वरना ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। दोस्तों कई सारे जो भाई होते हैं उनको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे करने में सालों का वक्त लग जाता है, और हमें भी इतना ही लगा है। आपको लगता होगा कि मैंने अभी चैनल स्टार्ट किया, लेकिन नहीं, मैंने 1 साल लगातार वीडियो गिरते हुए मैं परेशान हो गया था, लेकिन मेरी वीडियो पर व्यूज़ ही नहीं आते थे, ना ही सब्सक्राइबर बढ़ते थे मेरे दोस्तों। लेकिन मैंने यहाँ पर ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम किया और आज मेरे यहाँ पर 2K सब्सक्राइबर है, वो कम्प्लीट हो चुके हैं, वास्ट टाइम कम्प्लीट हो चुका है, और मेरा चैनल है जो मोनेटाइज भी हो चुका है। तो दोस्तों आप सब भाई ऐसे सपोर्ट बनाए रखना, आप सब भाई ऐसे ही हमें प्यार देते रहना, कुछ मेहनत हम करेंगे, बस आपको सपोर्ट करना है, वीडियो को देखना है। तो दोस्तों ऐसे आज हम आगे भी ऐसे ही तरक्की करेंगे और 10K को भी जल्दी ही कम्प्लीट हम कर लेंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा कि मोनेटाइजेशन कम्प्लीट करने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो सबसे जो बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि आपका 1K सब्सक्राइबर और 4000 घंटे कैसे पूरे हो। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको 4-5 मिनट की जो वीडियो है वो आपको लगातार डालते रहना है, एक ना एक वीडियो आपकी ज़रूर वायरल होगी, और जो वीडियो आपकी वायरल हो उसी वीडियो पर आपको वीडियो दूसरी बना देनी है। तो दोस्तों आपकी 2-3 वीडियो जो वायरल होगी इससे आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा और आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों बात यह है कि हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको क्या क्या दिक्कत आएगी। तो दोस्तों वहाँ पर आपको क्या करना है, एक जैसी वीडियो आपको 3-4 बार कई सारे बाई कर देते हैं कि एक ही वीडियो को दोबारा से डाल देते हैं, आपको ये नहीं करना है। आपको इससे जो रिपीटेटिव कंटेंट है ये इसका आपको एरर आ जाता है, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। और दोस्तों एक कई बाई करते हैं कि दूसरों की वीडियो डाल देते हैं अपने चैनल पर और लाखों में व्यूज आते हैं, लेकिन उनका चैनल है जो मोनेटाइज नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, आपका चैनल वही मोनेटाइज होगा जिसमें कि आप अगर दूसरे की वीडियो पर ले लेते हैं, लेकिन आपको उस पर खुद को अपनी आवाज़ लगानी पड़ती है, आपको उस वीडियो पर वॉइस ओवर करना पड़ता है, फिर आपका व्यूज कंटेंट है वो जो नहीं आएगा। और आपको मैं बता दूँ कि आपको यहाँ पर वीडियो के नीचे जो डिस्क्लेमर है वो लगाना ज़रूरी होता है अगर आप किसी दूसरे की वीडियो को अपनी वीडियो पर यूज कर रहे हो। तो दोस्तों अब यहाँ पर तीसरी जो बात आती है वो आती है कि तो दोस्तों अब बारी आती है मेटा डाटा की। दोस्तों आप मेटा डाटा एरर जब आता है जब आपके डिस्क्रिप्शन में कमी हो, आपके टाइटल में कमी हो और आपके टैग्स में कमी हो। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में भर भर के टैग नहीं लगाने हैं, कई सारे क्या करते हैं डिस्क्रिप्शन को भर देते हैं, यहाँ पर 3000 डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं 5000, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको लाइनवाइज लिखना है, आप आउट जैसे कि यूवर क्वेरीज आप उसमें लिख दीजिए अपने टैग्स को एक करके नंबर वाइज और हैश टैग पेज बनाइए आपका, तो इससे आपका मेटा डाटा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और आपको मैं बता दूँ आपको सभी वीडियो में एक टाइटल लगाना है, इससे आपका मोनेटाइजेशन है जो रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ बात है जो आपको मोनेटाइजेशन में आपको याद रखनी है जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो दोस्तों अगर आप इनमें से कोई गलती कर देते हैं तो आपका मोनेटाइजेशन है रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों आप सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों हम भी ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।